तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार, सब बढ़िया हो ना यार। तो भाई लोग तुम्हारे भाई लेके आ चुका है एक और नई मजेदार सी वीडियो लेके। अब भाई लोग आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे आखिर होने क्या वाला है। हाँ यार, आज वाली वीडियो टीडम वीडियो होने वाली है। अब देखो, मैं टीडम वीडियो वगैरह डालता तो नहीं हूँ, लेकिन यार आज का सीन थोड़ा सा अलग हो गया। रुको बताता हूँ क्या हुआ। अब देखो यार, आप सभी को पता है आजकल मेरी वीडियोज बहुत ज्यादा कम आती है, क्योंकि यार मैं गेम में भी बहुत कम ही जाता हूँ। लेकिन यार जैसे ही मैं 8-10 दिन बाद गेम में आया, गेम में आते ही मेरी 3 दोस्तों ने मुझे टीडम चैलेंज दे दिया। तो मैंने सोचा चलो यार कर ही लेता हूँ, इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैंने बोला एक काम करो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तुम लोग दोबारा मुझे चैलेंज देना। हेलो टाइगर। हेलो टाइगर, कैसे हो? हेलो, मैं बढ़िया हूँ यार, आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो? मैं तो एकदम झकास हूँ। हम भी बढ़िया है। वैसे हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज आज है। चैलेंज है? क्या बात कर रहे हो, कैसे चैलेंज? बताओ बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। आपको ना 1v3 करना है हम तीनों के साथ। है 1v3? क्या बात कर रहे हो, मैं तो डर गई। हाँ, वो हम 3 लड़कियों को देख के नर्वस हो रहेंगे ना। अरे हाँ यार, 3 लड़कियों को देख के मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। वैसे हमें लगता आप कर तो नहीं सकते 1v3। अरे वायले जी, आप तो बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हो, दोबारा मत करना। इसलिए तो आपको बुलाया है। दिल नहीं छोड़ा गया इतना टाइगर, आप ट्राई करो, वही इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलो कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। देखते हैं, हमें तो लगता है कि आप हारने वाले हैं। हाँ, हमें भी लगता है यार, तभी तो आपको बुलाया है। चलो फिर बाहर आ जाओ, मैं रूम बना रहा हूँ, रेडी रहना सभी लोग। अब भाई लोग हमारी इतनी ही वार्तालाप होती है और मैं रूम बनाने के लिए बाहर आ जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ आखिर कौन सी गन से चैलेंज करना है। अरे मैं ये कह रहा था कौन सी गन से चैलेंज करना है, ये तो हमने डिसाइड ही नहीं करा, ये भी बता ही दो। P90 रख रहे हैं हम तो। नहीं, आप चलाओगे M4 और हम लोग अपने मन के चलाएंगे। ये कैसा रूल हुआ? आप ग्लेशियर चलाओ, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। ना ना, हम सब अलग गन यूज करेंगे। नहीं नहीं, हम सब तो अलग गन यूज करेंगे। देखो टाइगर, एक तो खुद को इंटीरियर नहीं समझते, आप कोशिश करना, हो सकता है जीत जाओ। है अरे यार, ये लड़कियां मुझे रोस्ट पर रोस्ट मारे जा रही हैं। एक काम करो, जो मर्जी गन चलाओ, जो होगा देखा जाएगा, आ जाओ, डरते हैं क्या? और भाई लोग इसके बाद मैं फाइनली रूम क्रिएट कर लेता हूँ और तीनों लड़कियों को इनवाइट कर देता हूँ। वैसे भाई लोग आप सभी को एक बात बताऊँ, ये वाला मैच बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड मैच नहीं है, वो आप सभी को मैच देखने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि भाई तीनों लड़कियों ने बहुत तगड़े लेवल का खेला। अब देखो यार, एलिस तो बहुत अच्छा खेलती ही है, लेकिन भावना भी बहुत तगड़े लेवल का खेलती है, और भावना की तो KD भी 5.5 से ज्यादा की है। और तो और, एक टाइम पे तो भावना बीच माई के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी खेला करती थी। और मीसा का गेम तो आप सभी को पता ही है, मेरे साथ हमेशा खेलती रहती है। मीसा का गेम तो इन दोनों से भी खतरनाक है। खैर भाई लोग, आप सभी को पता चल ही गया होगा, सामने वाली टीम बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अभी आप सभी को गेम प्ले देखने के बाद पता चल भी जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इनसे मैं जीत पाऊंगा? खैर चलो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, वैसे ही बहुत ज्यादा देरी हो गई। लो भैया, पहला पॉइंट तो इन लोगों को मिल गया। अरे यार, शायद मेरे को 1-2 TDM खेल के आना चाहिए था, ये लोग तो मार रहे हैं यार बहुत गंदा। अरे रुक जा भाई लोग, टाइगर ने अभी 3 कदम पीछे लिए हैं, थोड़ा सा हाथ सेट हो जाने दो, फिर देखो तुम। यार 1v3 1v4 में यही तो होता है, एक बंदे से फाइट कर ही नहीं पाते, उतने में दूसरा बंदा पीछे से आके मार देता है। लेकिन कोई नहीं, अभी बहुत टाइम है, चलो भाई। एक तो ससुरा, ये वाला डिसएडवांटेज, मुझे एक ही गन चलानी है और ये लोग बात बात की गन चलाएंगी। एक काम करता हूँ, ग्राफिक्स कम कर देता हूँ, FPS वैसे ही बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। ये इधर है। भाई लोग देखते ही देखते 7 और 17 का फासला हो चुका है, अब तो डर लगने लगा है यार। ओहो।
बच गई। यहाँ लग ही लेन देन की प्रक्रिया चल रही है यार, भाई लोग इन लोगों की 20 किल हो गए, मेरे अभी भी 10 हैं। अब सच में डर लग रहा है। और भाई लोग देखते ही देखते मैं इनसे एक पॉइंट आगे निकल गया। लेकिन फिर से बराबर हो गया क्योंकि ये लोग भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं यार। अब भाई लोग लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं और स्कोर भी बराबर हो चुका है, अब क्या होगा? अरे नहीं यार। और भाई लोग लास्ट में एलिस को हेड चिपक गए जिससे उसको गन चलाने का मौका ही नहीं मिला और ये वाला मैच में एक किल से जीत जाता। बाकी सच बताऊं इन लोगों ने भी बहुत अच्छा खेला, एकदम इंटेंस माहौल हो गया था। खैर चलो थोड़ा सा वार्तालाप करके देखते हैं इन लोगों का क्या रिएक्शन होता है। ये एलिस पता नहीं क्या कर रही थी, ये नहीं जाती तब तो बराबरी में हो जाता। एलिस चला रही थी वही तो मैंने कहा था, 390 बहुत अच्छी जगह। देखो हमने अपना पूरा ट्राई किया लेकिन फिर भी बीच में तो ऐसे रेज आ गई थी आपको भाई, 1v3। हाँ यार मैंने सोचा ऐसे खेलूंगा तो ये लोग तो हरा देंगे मेरे को बहुत गंदा वाला। खैर भाई लोग यही थी आज की वीडियो जो कि आप सभी ने देख ली। आप सभी को आज वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यार तुम्हारा भाई काफी दिनों बाद खेल रहा था इसलिए मैच थोड़ा सा एवरेज हुआ, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो इनके साथ में दोबारा टीडीएम करूं और इनको बहुत गंदे वाला हराऊं तो मुझे कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट टीडीएम में और भी धमाकेदार लाऊंगा। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, ये वाली वीडियो में अगर मजा आया हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय माता दी।